छात्रों ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास इससे पहले 25 जून तक मैं पढ़ाकर स्थगित कर दिया था, आज मैं पुनः प्रारंभ करने चल रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको जो है लिंग निर्धारण में मनुष्य में लिंग निर्धारण, पक्षी में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण तथा जो है संलग्नता के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं तीन दिन में या जो है पारगमन के बारे में चर्चा करने। जीन दिन में या पारगमन, जीन दिन में या पारगमन इंग्लिश में कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर आज। इसके पहले आप जो है फर्स्ट ईयर में सूत्री पुस्तक विभाग के बारे में वहाँ पढ़ चुके थे, उन्होंने बताया था कि सूत्री विभाग और सूत्री विभाग के बारे में बताया गया था। कैसे तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम आप सूत्री प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की प्रथम पूर्वावस्था में प्रथम पूर्वावस्था की डिक्लोटीन उपवस्था में जोड़ीदार या युग्मित जोड़ीदार समजात गुण सूत्रों संजात गुण सूत्रों के अर्धगुण सूत्रण अर्धगुण सूत्रण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं वास्तु में अर्धगुण सूत्रण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं बल्कि एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इसी स्थान पर गुणसूत्र टूटते हैं जिससे एक गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग
प्रथम गुण सूत्र से एक गुण सूत्र का टूटा हुआ भाग दूसरे गुण सूत्र हो जाएगा, दूसरे गुण सूत्र से तथा दूसरे गुण सूत्र का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग प्रथम गुण सूत्र से जुड़ जाता है। गुण सूत्र से जुड़ जाता है इस प्रकार नर्यों, इस प्रकार नर्यों माता गुण सूत्रों के कुछ भागों का, कुछ भागों का आपस में आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान या लेन देन होता है, जिसे जीव विनिमय, जिससे जीव विनिमय या कानून कहते हैं, जिसे विनिमय या कानून कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस क्रिया से कह सकते हैं इससे समझात गुणसूत्र का, समझा गुणसूत्र का डीएनए, इससे कह सकते हैं समझा गुणसूत्र का डीएनए समझा पुनर्संयोजित, समझा पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। जिससे अगली पीढ़ी में, जिससे अगली पीढ़ी में नए या पुनर्संयोजित, नए या पुनर्संयोजित लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न। ध्यान दीजिएगा, क्रिया में से कई क्रियाएं चलेगी, तो हम आपको बताए थे कि जो है अर्थसूत्र विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में, प्रथम पूर्वावस्था में समझा जोड़ीदार मान लीजिए यहां दिखाते हैं, ये एक जोड़ी गुण सूत्र हो गए, ये धागे हैं, ये दोनों धागे हैं आभूषण सूत्र हैं। तो यहां हमने बताया कि जो है ये जोड़ीदार समझा गुण सूत्र के अर्थसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलग हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है अब यहाँ दिखाते हैं तो ये अलग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक बिंदु पर, बल्कि एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं,
एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अलग हो रहे हैं लेकिन अलग नहीं होते हैं। वास्तव में आप जब देखेंगे तो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, जिससे एक गुणसूत्र का अर्थात इसका टूटा हुआ भाग इससे जुड़ जाता है। इस गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग इससे जुड़ जाता है और इसका टूटा हुआ भाग इससे जुड़ जाता है। इसका टूटा हुआ भाग जो होता है, इसका टूटा हुआ भाग इससे जुड़ जाता है और इसका टूटा हुआ भाग इसको इससे जुड़ जाता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है, या जो है इसी को जो होता है क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जहाँ पर गुणसूत्र एक दूसरे से क्रॉस करते हैं इसी बिंदु को जो है कियाजमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कियाजमेटा। और इस बिंदु को कियाजमेटा नाम जो है जॉनसन जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में दिया। किस बिंदु को क्या मेटा नाम दिया? जहां पर अर्धगुणसूत्र जहां पर गुणसूत्र के संदर्भ गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र एक दूसरे को जो होते क्रॉस करते हैं उसी बिंदु को या टूटते हैं उसी बिंदु को जो है जॉनसन ने 1909 में क्या मेटा का नाम दिया। तो क्रॉस या क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय या पारगमन क्या है कि प्रथम अर्धसूत्र विभाजन की पूर्वावस्था की डिप्लोटिन अवस्था में डिप्लोटिन उप अवस्था में जोड़ीदार संजात गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। वास्तव में बताया कि अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं पर भी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसी बिंदु को कियाजमेटा नाम जॉनसन ने 1909 दिया। इस एक दूसरे क्रॉस करते हैं इसी स्थान पर गुणसूत्र जो होते टूटते हैं जिससे एक गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग दूसरे गुणसूत्र से तथा दूसरे गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग प्रथम गुणसूत्र से जुड़ता जुड़ जाता है। इस प्रकार नर एवं मादा गुणसूत्रों के कुछ भागों का आपस में आदान प्रदान होता है जिसे जीन विनिमय या पारगमन कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे संजात गुणसूत्र का डीएनए पर संजात पुनर्संयोजित डीएनए परिवर्तित हो जाता है, संजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है जिससे अगली पीढ़ी के संतानों में या अगली पीढ़ी में नए या पुनर्संयोजित लक्षण होते उत्पन्न होते हैं। अब आइए जीन विनिमय के बारे में बताते हैं। जीन विनिमय कितने प्रकार का होता है? हाँ, यहां लिखते हैं जीन विनिमय या पारगमन के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हाँ, ध्यान दीजिएगा गुणसूत्र में कियाजमेटा बनने के स्थान पर के आधार पर या कह सकते हैं टूटने के स्थान पर आधार पर जिन में तीन प्रकार का होता है। हम लिख सकते हैं कि गुणसूत्र में कियाजमेटा बनने के आधार पर विनिमय या पारगमन विनिमय या पारगमन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। नंबर वन, आइए एकल पारगमन, एकल पारगमन को कहते हैं।
सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और ध्यान दीजिएगा, और दूसरे को कहते हैं एक परिभाषा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब जो है समझात गुणसूत्र की लंबाई में एक याद नेता होता है, एक याद मैटर बनता है, या एक स्थान पर गुणसूत्र टूटते हैं तो उसे एकल भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल और गुण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा क्षेत्र बनाते हैं, ध्यान देंगे केवल एक याद मेटा बनता है। क्या बन रहा है? एक याद मेटा का बन रहा है, एक स्थान पर दूसरों को उठ रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो होता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब जब गुणसूत्र की पूरी लंबाई गुणसूत्र एक स्थान पर टूटते हैं, या एक स्थान पर याद मेटा बनता है, या एक याद मेटा बनता है, तो उसको जो होता है एकल पारगमन कहते हैं। दूसरा ये द्विपारगमन, द्विपारगमन जो है डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर। ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम चित्र में चेंज कर देते हैं, यहाँ एक स्थान पर क्या नेटा बन रहा है, और जब इसको हम चेंज अगर दो स्थान पर दिखाते हैं तो इस तरह चित्र बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या मैटा है और यहाँ पर भी, तो दो क्या मैटा है, कितने हैं, तो इसको हम लिखेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। कितने स्थान पर गुणसूत्र टूट रहा है? दो स्थान पर, या दो क्या मैटा बन रहे हैं। तो इस प्रकार जो है जब समझात गुणसूत्र की संपूर्ण लिख सकते हैं कि लंबाई में, दो ज्ञात मेटा की लंबाई में दो
क्या मैदा बनता है या दो स्थानों पर गुणसूत्र टूटते हैं तो उसे द्विपागम कहते हैं। जब गुणसूत्र की लंबाई में दो क्यार मैटा बनते हैं या दो स्थानों पर गुणसूत्र टूटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? द्विपागम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दो स्थानों पर जो है गुणसूत्र टूट रहे हैं इसलिए उसको क्या कहा जाता है? द्विपागम। आइए अब यहां चलते हैं बहुपागम या बहुविनिमय, इसको जो है मल्टीपिल या पॉलीपिल कहा जाता है, मल्टीपिल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपिल क्रॉसिंग ओवर। तो अब तक यहाँ दो स्थान पर ये क्रॉस कर रहे थे, अब इसमें हम चेंज कर देते हैं, इसमें हम तीन स्थान पर बना देते हैं। तो ये इसमें गुणसूत्र जो है तीन स्थानों पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या तीन स्थानों पर गुणसूत्र जो है टूट रहे हैं या तीन तैयार मेटा बन रहे हैं। कितने तैयार मेटा बन रहे हैं? तीन, एक दो तीन, क्या लिख सकते हैं? क्या मेटा तो एक एक हो गया, एक एक हो गया और ये तीन स्थान पर क्या मेटा बन रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपिल, मल्टीपिल क्रॉसिंग ओवर। तो कहने मतलब कि जब समजात गुणसूत्र की लंबाई में दो से अधिक क्यार मेटा बनते हैं या गुणसूत्र दो से अधिक स्थानों पर टूटते हैं तो उसे बहुपागम कहते हैं। इस प्रकार से जो है पारगमन या तीन दिन में तीन प्रकार का होता है, एकल पारगमन, द्विपारगमन, बहुपारगमन। एकल पारगमन में गुणसूत्र जो होते हैं केवल एक स्थान पर टूटते हैं या एक क्यार मेटा बनता है, द्विपारगमन में गुणसूत्र में दो क्यार मेटा बनते हैं या दो स्थानों पर गुणसूत्र टूटते हैं, और बहुपारगमन में जो होता है गुणसूत्र जो में जो है दो से अधिक क्यार मेटा बनते हैं या दो से अधिक स्थानों पर गुणसूत्र टूटते हैं। अब आइए चलते हैं लिंग सहलग लक्षण यौन की बंधकत
लक्षण यौन उनकी वंशागत सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स एंड डियर इनहेरिटेंस सेक्स लिंकेड कैरेक्टर ध्यान दीजिएगा जियो में लैंगिक लक्षणों के जीन लिंग पुरुषों में होते हैं लिंग सूत्रों में कहाँ पर होते हैं लैंगिक लक्षणों के जीन लिंग सूत्रों में होते हैं परंतु लैंगिक द्विगुणता या लैंगिक विभेदीकरण लैंगिक द्विगुणता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इतनी व्यापक यौन जटिल होती है जिससे कई ऑटोसोमल जीन प्रभावित होते हैं इस प्रकार जीवों में लिंग गुणसूत्रों में लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के जीन के अतिरिक्त कई गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं ध्यान दीजिएगा गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों को ही इन्हीं गैर लैंगिक या लक्षणों को ही या लिख सकते हैं इन्हीं लक्षणों को ही लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं लिंग संलग्न
मंसागर या स्टेट्स स्टेट्स लिंकेड इनहेरिटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या है लिंग से अलग लक्षण क्या है। अभी हमने बताया कि जीवों के लैंगिक जीवों में लैंगिक लक्षणों के जीन जो होते हैं लिंग सलग या लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। क्या है लिंग गुणसूत्रों में होते हैं तो इन लिंग गुणसूत्रों में जीवों के लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के जीन कहते हैं। कई अन्य जो होते हैं गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं इन्हीं लक्षणों को भी हम जो होते हैं गैर लैंगिक या दैहिक लक्षणों को भी लिंग से अलग लक्षण कहते हैं और इनकी मंसाकार को लिंग से अलग मंसाकार कहते हैं। ध्यान दीजिए जो है लिंग सहलग मंसाकार की खोज जो है लिंग सहलग लक्षणों की वंशागत की खोज टी एच मार्गन 1910 11 में ड्रोसोफिला मक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर किया तो फिर समझे लिंग सहलग लक्षण क्या है। हमने बताया जीवों में लक्षणों के जीन जो होते हैं लिंग सूत्र में होते हैं परंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक विरूपता की क्रिया की जैसे जो व्यापक होती है कई ऑटोसोमल जीन जो है जीन जो होते हैं प्रभावित होते हैं अर्थात लैंगिक विरूपता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों में लैंगिक लिंग गुणसूत्रों के जीन के अतिरिक्त कई गैर जो है लैंगिक या दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं इन्हीं लक्षणों को लिंग सहलग लक्षण तथा इनकी वंशागत को लिंग सहलग वंशागत सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। लिंग सहलग लक्षणों की वंशागत की खोज टी एच मार्गन ने 1910-11 में जो है ड्रोसोफिला मतलब मक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों के द्वारा की। आइए चलते हैं लिंग सहलग लक्षण के प्रकार। ध्यान दीजिए लिंग सहलग लक्षण के प्रकार इस प्रकार टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर्स सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा लिंग सहलग लक्षण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने तीन प्रकार के प्रथम को कहते हैं यक्ष लिंग सहलग लक्षण या इसको गुण भी कहा जाता है। यक्ष सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स तो ध्यान दीजिएगा यक्ष लिंग सहलग लक्षण क्या है। ध्यान दीजिएगा इन लक्षणों के जीन जो होते हैं इन लक्षणों के जीन एक्स लिंग गुणसूत्र की समजात के असमजात
अंगों पर होते हैं, परंतु इसके मतलब यक्ष इसके साथी वायु गुणसूत्र पर इनके कोई दिन नहीं होते हैं, कोई दिन नहीं होते हैं। इन लक्षणों के दिन, इन लक्षणों के दिन पुत्रियों को माता पिता दोनों से तथा पुत्र को केवल पिता से प्राप्त होते हैं। दूसरा है वायु लिंग संलग्न लक्षण वायु सेक्स लिंग कैरेक्टर्स, तो ध्यान दीजिएगा वाई सेक्स लिंग के कैरेक्टर के लक्षण जो होते हैं कि जीन इनके जीन वाई लिंग गुण सूत्र के असंजात असंजात खंडों पर होते हैं। परंतु साथी यक्ष यक्ष गुण सूत्र पर इनके जीन नहीं होते हैं, इनके जीन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए वायलेंस आलम जो होता है केवल पुरुषों में पाया जाता है, ये लक्षण केवल पुरुषों में ही होते हैं, इसलिए वायलिंग साधन के लक्षण जो होते हैं या लक्षण के दिन इसलिए इनके जीन पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को ही प्राप्त होते हैं, पिता से पुत्र को ही प्राप्त होते हैं, पुत्री को प्राप्त नहीं करके क्योंकि पुरुषों में ही होता है, स्त्री में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इनके जीन को पोलैंड्रिक जीन तथा इनकी वंशागत को पोलैंड्रिक
इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे आपने देखा किसी किसी के कान में बड़े बड़े बाल होते हैं, तो हाइपर ट्राइकोसिस अपीयर उसी को वो जो है वाई लिंग सहगम लक्षण है। वो तीसरा है एक्स वाई लिंग सहगम लक्षण, एक्स वाई सेक्स लिंकेज करेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा इनके जीन जो होते हैं, इन लक्षणों के जीन या इनके जीन एक्स वाई लिंकेज सूत्र के समझा तब तक आप लोगों जो है असमझा पड़ा था, समझा खंडों पर होते हैं। समझा खंडों पर होते हैं, इनकी वंशागत होती है, इनकी वंशागत स्त्री एवं पुरुष में स्त्री एवं पुरुष में सामान्य ऑटोसोमल ऑटोसोमल जीन की भांति होती है, इसीलिए ही जो है अधूरे इसीलिए इन्हें अधूरे लिंग सहलग्न लक्षण इन कंप्लीट सेक्स लिंकेज करेक्टर्स जो होता है कहा जाता है, कहते हैं एग्जाम्पल में जैसे आप लोग हाईस्कूल पढ़े होंगे जैसे बारह और अतौधी भी इसके लक्षण। तो फिर समझिए जो है लिंग सहलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार खास करके हमने थोड़ा सा नहीं बताया कि एक्स वाई लिंग सूत्र जो होते हैं रचना भिन्न होते हैं, परंतु असूत्री विभाग के समय जो होता है जब इनका जो होता है युग्मन होता है समझात्मक सूत्रों का, तो जो है उसमें जो है समझात्मक सूत्र के विपरीत जो है लिंग गुण सूत्र में जो ये युग्मन होता है वो पूरी लंबाई न होकर छोटे छोटे खंडों में होता है, उन छोटे खंडों को संजात खंड तथा शेष अन्य खंडों को जो होता है असंजात खंड कहते हैं। उन्हीं संजात और असंजात खंडों के आधार पर तीन प्रकार का होता है, एक्स लिंग सहलग्न लक्षण, वाई लिंग सहलग्न लक्षण और एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण। क्या है एक्स लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन जो होते हैं एक्स लिंग सूत्र के असंजात खंडों पर होते हैं, परंतु उनका दूसरा जो साथी जो वाई गुण सूत्र है उस पर इनका इनके कोई जीन नहीं होते हैं। इन लक्षणों के जीन जो होते हैं पुत्रियों को माता पिता दोनों से तथा पुत्र को केवल पिता से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ये
वायु रेख सहलन लक्षण, इन लक्षणों के गिन होते हैं वायु रेख गुणसूत्र के जो है असंधारित खंडों पर होते हैं, परंतु साथ ही यक्ष गुणसूत्र पर इनके गिन नहीं होते हैं। ये लक्षण जो होते हैं, ये लक्षण यहाँ केवल लिखना पड़ेगा, ये लक्षण केवल पुरुषों में होते हैं, इसलिए इनके जीन जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को ही प्राप्त होते हैं। इनके जीन को होलैंड्री जीन तथा इनकी वंशागत को होलैंड्री वंशागत या होलैंड्री इनहेरिटेंस कहते हैं। आपने बताया एग्जाम्पल में हाइपर ट्राइकोप्सिस अपीयर, बाल कान में बड़े बाल होना वाई लिंग सहलन लक्षण का रूप लक्षण। अब दूसरा है यक्ष वाई लिंग सहलन लक्षण, इनके जो इन लक्षणों के जीन जो होते हैं यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र के जो है संजात खंड पर होते हैं, इनकी वंशागत स्त्री और पुरुष में समान ऑटोसोमल माने आलिंग ऑटोसोमल जीन की भांति होती है, इसीलिए इनको आधुनिक सहलन लक्षण भी कहा जाता है। जैसे मुझे होता है ग्राम धात्रा कलंकाइन सीमों के लिए और जो होता है नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस बुद्धि बीमारी और रतम के सोते में नहीं कहा है, ये एक एग्जाम्पल। तो सातवां हम ऑनलाइन क्लास ये समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे कल चर्चा